गाइज हमारे गेम के अंदर OB43 का नया अपडेट आ चुका है और गाइज इस अपडेट के बाद हमारे गेम में काफी सारे अलग अलग सेटिंग्स को ऐड कर दिया गया है जो कि मैं आप लोग को वीडियो के आगे दिखाऊंगा और कौन से सेटिंग को कैसे आप लोग को ऑन करना है कैसे ऑफ रखना है वो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना क्योंकि सेटिंग से सब कुछ है। अगर आप लोग का सेटिंग बेस्ट नहीं रहेगा तो आप लोग फ्री फायर गेम को अच्छी तरीके से नहीं खेल पाओगे। और गाइज साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर दिया गया है डिलीट अकाउंट का। साइड में आप लोग देखो नीचे में आप लोग को डिलीट अकाउंट के ऑप्शन देखने को मिलता है और जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डिलीट अकाउंट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, कंफर्म टू अप्लाई फॉर अकाउंट डिलीशन। मतलब गाइस अगर आप लोग इसको डिलीट कर दोगे ना तो इसको दोबारा से आप लोग रिकवर नहीं कर सकते। तो यहां पर आप लोग को सब कुछ ध्यान से करना है। अगर आप लोगों ने एक छोटा सा भी मिस्टेक किया ना आपका पूरा अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा, आप लोग अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, यह अकाउंट आपका चला जाएगा। अभी आप लोग देखो भाई मैंने इस अकाउंट के अंदर 4-5 लाख रुपए लगाए और अगर मैंने छोटा सा भी मिस्टेक कर दिया ना तो भाई मेरा यह अकाउंट चला जाएगा, उसके बाद मैं इस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, इस अकाउंट से मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो आप लोगों को भी ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैसे मैं आप लोगों को वीडियो के आगे अकाउंट डिलीट करके दिखाऊंगा। अरे अरे ये वाला अकाउंट नहीं भाई, मैं आप लोगों को किसी नूब अकाउंट को डिलीट करके दिखाऊंगा। ये अकाउंट अगर मैं डिलीट कर दिया तो मैं तो यार हार्ट अटैक से मर जाऊंगा भाई। ये अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों को किसी और नूब अकाउंट को डिलीट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी ये समझ में आए कि डिलीट करने के बाद क्या होता है, मतलब कौन-कौन से ऑप्शंस आते हैं, क्या-क्या आप लोग करना पड़ेगा अगर एक्चुअली में किसी नूब अकाउंट को आप लोग डिलीट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो भी आप लोगों को वीडियो के आगे बताने वालों। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी आधे से सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना ताकि गेम में आने वाला ऐसा कोई भी इवेंट या फिर अपडेट आपका मिस ना हो पाए, तो सब्सक्राइब याद से कर लेना। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यू सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं जो कि अभी-अभी हमारे गेम के अंदर इस अपडेट के बाद ऐड किया गया। जैसे कि ऊपर में आप लोग देख पा रहे हो लॉगिन हिस्ट्री का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि अभी नया हमारे गेम के अंदर आया ही है। जैसे आप लोग लॉगिन हिस्ट्री पे क्लिक करोगे ना यहां पर देखो सारा कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने लास्ट लॉगिन किस डिवाइस के अंदर किया था और अभी करंट आपका अकाउंट कौन से मोबाइल से लॉगिन किया गया है वो भी यहां पर दिखाया जा रहा है। अभी आप लोग ऊपर में देख पा रहे हो डिवाइस का नेम Redmi Note 9 Pro Max जो कि मेरा ही फोन है और अभी मैंने इसको लॉगिन कर रखा है। वैसे नीचे में आप लोग जो देख रहे हो Samsung S4SM, गाइस ये मेरा Samsung का S23 Ultra है जिसमें मैं गेम वगैरह खेलता हूं, तो ये मेरा ही फोन है। Xiaomi का भी मेरा ही फोन है और गाइस यहां पर जो आप लोग Google HP देख रहे हो ये मेरा गाइस PC है, ठीक है, PC के अंदर मैं खेलता हूं तो वो भाई यहां पर दिखाया जा रहा है। तो ये चारों के चारों मेरा ही है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी मैं अपना आईडी पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करता लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने दोस्तों को भी अपनी आईडी पासवर्ड दे देते हैं और वो उनके अकाउंट के साथ फ्रॉड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी अभी बताया आपका अकाउंट आपका दोस्त भी डिलीट कर सकता है, यहां पर आप लोग को डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है तो अगर वो चाहे तो आपका अकाउंट डिलीट कर सकता है। माना कि अगर आपने अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर लिया और गुस्से में उसने आपका अकाउंट डिलीट कर दिया तो भाई खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आप लोग को बोल रहा हूं अगर आपने अपने दोस्त को आईडी दिया है तो आप लोग लॉग आउट कर दो। लॉग आउट कैसे करना है वो मैं आप लोग को बताता हूं। लॉग इन हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो यहां पर खुद से देख लेना कि आपका कौन कौन सा फोन है, मतलब हो सकता है आपके घर में 3-4 फोन हो, आप तीन चारों फोन के अंदर गेम खेलते हो लेकिन आप ही के पास फोन रहता है, तो ऐसा हो सकता है आप लोग देख लेना कि आपका कौन कौन सा फोन है या फिर अगर आपका दोस्त भी आपका आईडी लॉगिन करता है तो यहां पर बताया जाएगा, ठीक है। सब कुछ यहां पर लास्ट सीन वगैरह लास्ट लॉगिन वगैरह सब कुछ दिखाया जा रहा है तो यहां पर आकर आप लोग खुद से देख लेना। माना कि अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि नहीं मेरा फ्रेंड मेरा अकाउंट डिलीट कर देगा या फिर मेरा फ्रेंड चुप चुप के मेरा अकाउंट लॉगिन करता है तो आप लोग ना उसे लॉग आउट भी कर सकते हो, मतलब उसका परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मेन अकाउंट है तो आप लोग यहां पर लॉग आउट भी कर सकते हो। नीचे में आप लोगों को लॉग आउट फ्रॉम ऑल पे यहां पर क्लिक करना है, यहां पर आप लोगों को एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है लॉग आउट फ्रॉम ऑल, तो आप लोगों को सिंपली इस पे क्लिक करना है और जैसे कंफर्म करोगे जितना भी डिवाइस रहेगा सबके अंदर से मतलब आपका जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा और जो अभी आप लोग डिवाइस यूज कर रहे हो उससे भी आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फेसबुक आईडी या फिर जिससे भी आपका आईडी है उससे आप लोग को पासवर्ड देकर मतलब लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अब आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा। अगर आपका दोस्त अकाउंट लॉग इन करता है तो उससे पासवर्ड मांगा जाएगा और पासवर्ड तो आपके पास रहेगा, अगर वो पासवर्ड पूछता है तो आप मत देना, तो ऐसा ही होने वाला है। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। इस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को बिल्कुल ही सेफ रख सकते हो और ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है। अब गाइस देखो नीचे में सेटिंग्स की बात करें तो यहां पर तो सारा ओल्ड सेटिंग ही है, अपलोड डाउनलोड क्लियर कैचे और गाइस सेंड रिपोर्ट, ये सब तो गाइस पहले का सेटिंग है और गाइस ये सारे सेटिंग है जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हो मैंने सेटिंग कर रखा है। ये सारे सेटिंग्स है, ये सारे तो सब कुछ पुराने सेटिंग्स है जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, ये सारे सेटिंग आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। और गाइस यहां पर देखो टीममेट निकनेम जो कि अभी नया नया ऐड किया गया है हमारे गेम के अंदर, ये मैंने आप लोगों को अपडेट से पहले ही कवर करके बता दिया था कि आप लोग एक नया सेटिंग देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर आप लोगों को डिस्प्ले और हाइड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग डिस्प्ले पे क्लिक करोगे ना तो पहले जैसे कि टीममेट का नाम शो करता था, पहले अगर आप लोग गेम खेलते तो टीममेट का नाम शो करता था वैसे ही होगा, लेकिन अगर आप लोग हाइड पे क्लिक करोगे ना तो जब भी आप लोग BR या फिर CS गेम खेलोगे और आपका जो भी टीममेट रहता है तीन प्लेयर अलग से आते हैं ना उन टीममेट्स का नाम ही शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके ऊपर बस एक एरो शो करेगा बस और कुछ नहीं, ठीक है, नाम शो नहीं करेगा। तो अगर आप लोग वीडियोस वगैरह
बनाना है तो आप लोग हाइड कर सकते हो, लेकिन मैं तो डिस्प्ले ही करूंगा क्योंकि मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोग करना है तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग को ये सारे सेटिंग देखने को मिलते हैं जो कि पहले के ही है, और गाइस यहां पर आप लोग ये सारे सेटिंग्स देख सकते हो जो कि हमारे गेम में पहले ही आ चुका है, तो ये सारे के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, तो आप लोग ऐसे ही रख सकते हो पहले वाला सेटिंग है। और उसके बाद हम लोग साउंड्स के अंदर चलते हैं, साउंड्स के अंदर भी यही सारी चीजें, मतलब यहां पर और कोई चेंजेस नहीं किया गया। बाकी हम लोग और कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं जैसे कि वाइब्रेशन, और गाइस नेटवर्क के अंदर भी वही सेम है, और गाइस उसके बाद आप लोग को ये सारी चीजें है FF Max है, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किया गया, ठीक है। तो यही सारे कुछ नए नए सेटिंग्स थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। अब गाइस हम लोग फाइनली बात करते हैं डिलीट अकाउंट के बारे में। अब देखो यहां पर ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, क्योंकि यहां पर अगर आप लोग छोटा सा भी गलती करोगे ना तो भाई आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब मैं आप लोग को अपना अकाउंट डिलीट करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर हम लोग डिलीट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करेंगे ना, तो भाई हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन गाइस अभी मैं अपने मेन आईडी को तो डिलीट नहीं कर सकता ना, आप लोग खुद से सोचो 4-5 लाख रुपया लगा है भाई, मैं तो रोते रोते मर जाऊंगा भाई, बहुत पैसा लगा है यार इतने पैसे में, तो समझ रहे हो। अभी गाइस यहां पर ना मैं अपने सेकंड अकाउंट को लॉग इन करता हूं, सॉरी सेकंड अकाउंट नहीं, एक न्यूब अकाउंट है तो उसको लॉग इन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोग उस अकाउंट को डिलीट करके दिखाता हूं, ठीक है। ऑल राइट गाइस, मेरे पास आ चुका है एक न्यूब अकाउंट जो कि सदियों पुराना है भाई, 3-4 साल पुराना अकाउंट है ये, जो कि मैं कभी खेलता ही नहीं हूं, और गाइस इसको मैं डिलीट करने वाला हूं क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है, और मैंने एकदम से बहुत दिनों के बाद इसको लॉग इन किया है। लॉग इन हिस्ट्री के अंदर आते हैं भाई, देखो ये अभी फिलहाल मैंने काफी दिनों के बाद ओपन किया है, तो सिर्फ यही बता रहा है, ठीक है। तो गाइस बस एक ही बता रहा है। अब गाइस हम लोग सिंपली से डिलीट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहां पर हमें कंफर्म का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जैसे हम लोग यहां पर कंफर्म करेंगे ना भाई, यहां पर हमें एक फॉर्म पे लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मतलब एक रीजन देना पड़ेगा आप लोग को कि भाई आप लोग क्यों डिलीट कर रहे हो, कैसे डिलीट कर रहे हो। मतलब ऐसे अगर गलती से कंफर्म पे भी क्लिक कर दोगे तो ऐसे डायरेक्टली आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग एक सबमिट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा, तो यहां पर हमें बताना होगा यहां पर गाइस क्या क्या बोला जा रहा है, मैं आप लोग को बताता हूं। ओके गाइस, इस वाले फॉर्म को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि यार यहां पर गरीना वालों ने बहुत कुछ बोला है जो कि मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा देता हूं। यहां पर बोला जा रहा है कि आप लोग पहले से ही अच्छी तरीके से सोच लो आप लोग अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हो या फिर नहीं, एक बार आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई आपका कोई दोस्त आपको अकाउंट डिलीट कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर फ्री फायर वाले आपको बहुत टाइम देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस यहां पर आप लोग एक फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, और फॉर्म को सबमिट करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो यहां पर आप लोग को अकाउंट UID और नेम वगैरह दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, या फिर आप लोग अकाउंट डिलीशन का रीजन यहां पर डालना होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी डाल देना, उसके बाद अकाउंट डिलीशन का रीजन डालना कि हाँ मुझे अब इस अकाउंट के साथ नहीं खेलना है, या फिर मैं फ्री फायर गेम छोड़ रहा हूं, ऐसे करके कुछ भी रीजन आप लोग यहां पर डाल सकते हो। रीजन जो आप लोग लिखोगे ना वो आप लोग इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में मत लिख देना, ठीक है। और गाइस यहां पर आप लोग को ऐसे करके टिक आउट कर देना, उसके बाद यहां पर आप लोग को टिक आउट करना है, और गाइस आप लोग को इन गेम प्रोफाइल, जो प्रोफाइल होता है ना जिसमें आप लोग को UID शो करता है, उस प्रोफाइल का आप लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट को आप लोग को ऐड फाइल पे क्लिक करना है, और स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है, उसके बाद आप लोग को सिंपली से सबमिट कर देना है, ठीक है। अब देखो सबमिट करने के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस है, आप लोग ध्यान से समझना। देखो जैसे आप लोग इसको सबमिट कर दोगे ना, उसके बाद 72 आवर्स के अंदर आपके इन गेम मेल बॉक्स के अंदर एक यूनिक कोड आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि फ्री फायर वाले खुद ही आप लोग को सेंड करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप लोग इस वाले फॉर्म को सारा कुछ फिल कर देते हो, फिल करने के बाद जैसे सबमिट कर दोगे, उसके बाद 72 आवर्स के अंदर आपके इसी अकाउंट के ऊपर, मतलब आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, आप लोग जैसे सबमिट करोगे आपका सबमिट हो जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, उसके बाद 72 आवर्स के अंदर आपके इन गेम मेल बॉक्स के अंदर यहां पर आप लोग को एक मेल देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस मेल के अंदर ना आप लोग को एक कोड देखने को मिलेगा, यूनिक कोड, और उस कोड को आप लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेना, ताकि कोड जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ पाए लोग। और गाइस आप लोग को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग को कोड के जगह पे ही आप लोग को स्क्रीनशॉट फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को सिंपली से स्क्रीनशॉट को फिल करके यहीं पर सबमिट कर देना, ठीक है। मतलब यहीं पर आप लोग को सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली से सबमिट कर देना, उसके बाद 30 दिनों तक अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं करना है, ठीक है। मतलब जो भी अकाउंट को आप लोग को डिलीट करना है उसे 30 दिन तक आप लोग को लॉग इन नहीं करना है, और आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रोसेस होने वाला है एक अकाउंट को डिलीट करने के लिए, और गाइस ये ना मुझे काफी अच्छा लगा। अब अच्छा इसलिए लगा क्योंकि फ्री फायर वाले हमें काफी टाइम दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग अकाउंट डिलीट पे क्लिक करोगे तो आप लोग को सबसे पहले तो फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। अब माना कि कोई भी आपका दोस्त है जो मतलब बहुत हरामी है, आपसे जलता है और आपका अकाउंट डिलीट करना चाहता है, तो अगर वो डिलीट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म को सबमिट भी कर देता है ना, उसके बाद भी आपको 72 घंटे का टाइम मिलेगा। 72 घंटे के बाद आपके मेल बॉक्स के अंदर एक यूनिक कोड आएगा, और उस यूनिक कोड को स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोबारा से सबमिट करना है, और उसके बाद भी आप लोग को 30 दिन तक अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं करना है। तो काफी सारे स्टेप है ना। अगर कोई आपका हरामी दोस्त आपका अकाउंट डिलीट करना भी चाहेगा ना, तभी वो डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत प्रोसेस है, मैंने आप लोग को बता ही दिया। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एक्चुअली
में ऑनर हो और आपको अकाउंट डिलीट करना है तो अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो। तो गाइज ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोग थोड़ा सा टाइम देना उसके बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम स्टेप आप लोग फॉलो करना है, आपका अकाउंट फाइनली परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को सारे सेटिंग्स के बारे में बता दिया। आई होप आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी अगर और कोई सेटिंग्स के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।